हेलो, आज की कहानी है द सिक लायन। एक बार जंगल का राजा शेर बड़ा ही बूढ़ा हो गया और काफी बीमार रहने लगा। बुढ़ापे के कारण और बीमारी के चलते वो बिल्कुल शिकार नहीं कर पा रहा था। पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे थे, लेकिन उसे लगने लगा कि अगर मैं इसी तरह से बीमार रहा और कमजोर हुआ तो मैं बिल्कुल भी शिकार नहीं कर पाऊंगा और मारा जाऊंगा। कुछ तो मुझे आइडिया करना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। अब उसने बनाया एक प्लान, जाकर अपनी गुफा में पड़ गया बीमारी का बहाना करकर, और सारे जानवरों में अनाउंस करवा दिया कि राजा शेर बीमार हैं। सभी उन्हें देखने आए। जानवरों को जैसे ही खबर मिली कि शेर बीमार है, बेचारे धीरे धीरे कर कर एक एक उससे मिलने आने लगे। जैसे ही कोई जानवर उसकी डेन के अंदर आता, पीछे से उसके ऊपर अटैक करता और खूब मजे से 2-3 दिन तक उसे खाता रहता। कभी हाथी, कभी हॉर्स, कभी डियर, कभी रैबिट, तरह तरह के जानवर उससे मिलने आते और वो सभी को खा जाता। एक दिन, काफी दिनों बाद, फॉक्स ने सोचा कि मुझे भी एक बार तो राजा से मिलने चले ही जाना चाहिए। फॉक्स थी बड़ी ही चतुर और समझदार। वह जाकर डेन के बाहर खड़ी हो गई और जोर की आवाज में बाहर से ही राजा से पूछने लगी, महाराज की जय हो, महाराज कैसी है आपकी तबीयत? शेर कहने लगा, बस तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन तुम अंदर आकर क्यों नहीं पूछ लेती? फॉक्स कहने लगी, नहीं, मैं बाहर से ही ठीक हूं, बाहर से ही पूछती हूं। मैं जब यहां खड़ी हूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां से गुफा के अंदर तो सारे स्टेप्स जा रहे हैं, लेकिन गुफा से बाहर किसी के स्टेप्स नहीं आ रहे हैं। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, मैं बिल्कुल भी अंदर नहीं आऊंगी। और वह चुपचाप वहां से निकल गई और इस तरह उसकी जान बच गई। अगर वह भी अंदर चली गई होती तो सारे जानवरों की तरह शेर उसे भी खा चुका होता। कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड से शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। बाय बाय।